ओम नमः शिवाय दोस्त, हर हर महादेव। शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से सरल व अचूक उपाय। अपने घर से जल लेकर जब जाओगे तो घर का वास्तु दोष, घर का पितृ दोष और घर का काल सर्प दोष तीनों उस लोटे के माध्यम से जाएगा और शिव को समर्पित। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिवजी को समर्पित कर केवल दूध जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं, दुबा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, बड़ी है यहाँ बताना। जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशुभ सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहाँ से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में एक लोटा जल और दुर्वा शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल 1 दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना, 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना, विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी निश्चित। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना, पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, अच्छे से विद्या अध्ययन करो, फिर बाबा पर समर्पित होकर, बाबा पर विश्वास कर जाना, भरोसा पूरा कर जाना। इंटरव्यू देते समय अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अधिपति महाकाल है, अब निकल कर मानू। हम दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, किराने की दुकान खोल रहे हैं, लोहे की दुकान खोल रहे हैं, भंगार की दुकान खोल रहे, किराना की दुकान खोल रहा है, पान की दुकान खोल रहा है, हम दुकान खोलते हैं, पर दुकान खोलने से पहले तुम्हारे 2 मन हो जाते हैं, चलेगी कि नहीं चलेगी, खोल तो लूंगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन तुम दुकान खोलो, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बाबा को दुर्वा चढ़ाकर एक लोटा जल चढ़ाकर नियम बनाकर जाना, 3 महीने बाद में दुकान खोल रही हूँ, 2 महीने बाद में दुकान खोल रही हूँ, और मेरा विश्वास कहता है दुकान चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी तो वो नहीं चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान खोल रही हूँ, मेहनत करूंगी, दिल से करूंगी, भले मेरे पास ज्यादा माल नहीं है, जितना माल खरीद के लाऊंगी उतना बेच कर बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ काल अधिपति महाकाल है, तो वो चलेगी। विश्वास दृढ़ी करो, भरोसा पक्का करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ी हो गया उस दिन तुम विजय हो गए, उस दिन तुम आनंद कामे हो गए। बच्चों का विल पावर कमजोर हो रहा है, दोस्त कह देते हैं सीए की पढ़ाई बहुत कठिन है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत कठिन है, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत कठिन है। साथ वाले ऐसे मत ढूंढना जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दे। ये वाली फैक्ट्री खोलेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, इसलिए ये फैक्ट्री खोलने का मन नहीं हो रहा है। फैक्ट्री का सेटअप जम गया, सब कुछ जम गया, और मालूम पड़े विचार करा
कौन चलाएगा, कैसे होगा, कैसे चलेगी, तो वो फैक्ट्री कभी नहीं चलेगी। तुमने सोच लिया कि अपने क्षेत्र में नहीं है, मेहनत करूंगा, चार चांद लगाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा पर जीत कर बताऊंगा, तो वो फैक्ट्री भी भग दौड़ेगी। निश्चितता है, आपका विल पावर कमजोर नहीं होना, जो कमजोर नहीं होना, आप कैसे कमजोर हो जाओ। शंकर भगवान का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता, शिव का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता, आप उतनी मेहनत पूर्ण। जिसके घर में 20 साल संतान नहीं हुई, जिसके घर में 10 साल संतान नहीं हुई, जिसके घर में 17 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल संतान नहीं हुई, डॉक्टरों ने कह दिया था औलाद नहीं होगी, चाहते तो विल पावर मजबूत हो जाता, कमजोर हो गया, विचार कर लिया संतान नहीं होगी, सत्तर दिखाया संतान नहीं होगी, आखिरी में तुमने विश्वास पक्का कर लिया कि टीवी पर कथा सुनी, शिव पुराण में कहा होगा। जब उसको भगवान ने 17 साल में संतान दी है, तो मुझे तो 4 साल शादी के हुए हैं, 5 साल हुए हैं, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, विल पावर मजबूत हुआ और बाबा ने औलाद दे दी। तुम विश्वास पक्का करो, दड़ी बनाओ, अपने विश्वास को दड़ी बनाओ, जिस दिन तुम्हारा विश्वास दड़ी हो गया, उस दिन तुम्हें कहीं डोलना नहीं पड़ेगा, शंकर तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेगा। दुकान डालो, चाहे फैक्ट्री डालो, चाहे व्यापार करो, चाहे पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब दमदारी से उतरो, उसके बाद में फिर शिव जी पर एक बेल पत्र या एक जम के बोलो क्या ये दुर्वा, एक दुर्वा, सबसे पहली दुर्वा, सबसे पहली दुर्वा गणेश जी को और सबसे पहली दुर्वा शंकर जी को किसने समर्पित करी, किसने दी, कौन का विल पावर कमजोर हो गया था, कौन का विल पावर कमजोर हो गया था, कौन अपने आप को कमजोर समझने लगा था, कौन था जिसके पास सब कुछ था और उसके बाद भी उसका मन उदास हो गया था, वो था कुबेर, धनपति कुबेर, जिसके पास में सत्ता की कमी नहीं थी, वैभव की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, संपदा की कमी नहीं थी, वो कुबेर जो एक जगह बैठ जाए तो लोगों का कुबेर का भंडार भर दे, वो कुबेर का जब खजाना कम हुआ, भंडारा कम हुआ, अंत में उसकी आंख से जब आंसू बहा, तब कुबेर एक दुर्वा लेकर महादेव के पास पहुंचा और महादेव ने एक दुर्वा देकर रिद्धि सिद्धि के हाथ गणेश जी के पास पहुंचाया। कुबेर से कहा तू अपनी मेहनत कर, तूने दुर्वा दी है, ये दुर्वा तुझे वापिस कुबेर अधिपति बनाकर छोड़ेगी, और छोड़ा। एक दुर्वा में वो बल होता है जो उसके विल पावर को मजबूत कर देती, संपदा को मजबूत कर देती, उसकी सत्ता को मजबूत कर देती, उसके वैभव को मजबूत कर देती। एक दुर्वा सहज नहीं, दुर्वा पीछे देखोगे तो डंडी एक है, देख रहे हो आप लोग, आप लोगों को ना भी दिखे तो अपने घर पर जाकर देखना, पीछे से देखोगे तो दुर्वा की डंडी एक है, आगे से देखोगे तो उसकी किनारियां 4-5 पत्तियां निकली हुई होती हैं, अर्थात एक रास्ता अगर दुर्वा का बंद होता है तो दूसरे रास्ते को दुर्वा खोल देती है, दूसरा बंद होता है तो तीसरे को खोल देती है, तीसरा बंद होता है तो चौथे को खोल देती है, चौथा बंद होता है तो पांचवे को खोल देती है। दुर्वा में वो बल होता है जो महादेव को हम जब अशोक सुंदरी की ओर डंडी का मुख कर पत्तियों का मुख इधर कर शिव को समर्पित कर एक लोटा जल जब बाबा को हम समर्पित करते हैं दिल से, 3 महीना लगातार आनंद के साथ, हाँ बीच में रजो धर्म आ जाए तो आप लोग उस समय मंदिर में नहीं जाते, नहीं चढ़ाते, उस समय छोड़ दो, पर अपने भावों से बाबा को समर्पित करो। नवयुवक बेटे बेटियां भी शिव जी पर जल चढ़ाओ, करो शंकर का गुणगान। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें।
इस उपाय को करना न भूले। आज वस्त्र इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें।